दोस्तों एनआईएस में जो नए बच्चे एनरोल होते हैं 10th या 12th एडमिशन्स के लिए, तो उनका तो स्टूडेंट पोर्टल बन जाता है, लेकिन जिन लोगों ने पहले एडमिशन ले रखे थे उनका स्टूडेंट पोर्टल नहीं बनता है। लेकिन अगर उन ओल्ड स्टूडेंट्स को यानी पुराने स्टूडेंट्स को अगर कोई करेक्शन करवानी हो, एग्जाम फीस भरनी हो या कोई और करेक्शन करवानी हो अपनी, तो उनका स्टूडेंट पोर्टल ना होने की वजह से उनका कोई भी करेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अपने स्टूडेंट पोर्टल ना होने की वजह से। एक तो कई करेक्शन रुक जाती हैं उनकी, उनको समझ में नहीं आता हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे हम अपनी एग्जाम फीस पे करेंगे। क्योंकि जब भी अपना वो एनरोलमेंट नंबर डालते हैं तो वहां पर उनको बोलता है कि आपको अपना रीरजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को आगे फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका वो आगे प्रोसीड नहीं करता है। दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप भी कोई ओल्ड स्टूडेंट है या आपका कोई जानकार ओल्ड स्टूडेंट है और वो चाहता है कि उसका रीरजिस्ट्रेशन हो जाए 10th या 12th में, जिससे कि उसका एक स्टूडेंट पोर्टल बन जाए और वो भी अपनी कुछ करेक्शंस करवा सके, एग्जाम फीस पे कर सके, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, इस वीडियो में आपको सारा जानने को मिलेगा। इसमें क्या मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी अपना रीरजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो पहली बात तो लिंक कहां से मिलेगा वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। इसके अलावा क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें दो चीजें आपके पास मेन होनी चाहिए। आपकी डिटेल तो एनआईएस के पास ऑलरेडी है, बस आपको यहां पर एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। ध्यान रखना जो भी आप फोन नंबर दे रहे हो या जो भी आप ईमेल आईडी दे रहे हो यही आपके फर्दर इन्फॉर्मेशन में काम आएगी, क्योंकि जो फोन नंबर आप यहां पर दोगे उसी फोन नंबर पे आगे ओटीपी आते रहेंगे जब भी आप कोई करेक्शन करवाते हो, चाहे वो आपकी कोई भी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन की कोई भी करेक्शन है या चाहे आपके एग्जाम फीस पे करनी है, सब्जेक्ट ऐड करना है, सब्जेक्ट कोई हटाना है, तो उन सभी चीजों के लिए आपको वो फोन नंबर यूज करना पड़ेगा क्योंकि ओटीपी उसी पे आएगा। उसी के साथ साथ जो आपकी ईमेल आईडी होगी उस पे भी ओटीपी जाएगा, तो ये दोनों नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना बहुत जरूरी है, तो आप इनको वही रखना जिनको आप सेव करके अच्छे समय तक और लंबे समय तक रख सकते हैं। इसके अलावा एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी जो है आपकी वो आप 3 बार के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आप सेम नंबर से एक ही नंबर जो आप यूज कर रहे हैं और एक ही आईडी जो यूज कर रहे हैं उससे 3 लोगों का ही रीरजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उससे ज्यादा वो काम में आपके नहीं आएगा। ध्यान रखना एक नंबर पे 3 रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आप, 3 अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही नंबर पे आप 3 बार उसको ओपन कर सकते हो, ओपन तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, बट मेन क्या है कि एक ईमेल आईडी से और एक फोन नंबर से आप सिर्फ 3 लोगों का ही रीरजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और चौथा नहीं हो सकता उसके अलावा। तो आइए देखते हैं कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे आपको वो लिंक मिलेगा ओल्ड स्टूडेंट रीरजिस्ट्रेशन का और क्या क्या चीजें आपको उसमें करनी है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने गूगल में NIOS की जो वेबसाइट है उसका नाम डाल दिया है NIOS.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ हमने इसके फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, अब आप इसको जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं लाइन से बहुत सारे सर्कल में बने हुए बॉक्सेस, तो इन पे आपको सबसे पहले वाले एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एडमिशन्स में, एडमिशन फॉर ऑल स्ट्रीम अंडर एकेडमिक कोर्स सेकेंडरी 10th और सीनियर सेकेंडरी 12th, हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे टॉप राइट साइड पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट लॉगिन, ये स्टूडेंट लॉगिन जो आपका है वो उन्हीं का ही आएगा जिन लोगों ने अभी 3 साल में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जो पुराने बच्चे हैं उन लोगों का ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा था तो इसलिए उनका स्टूडेंट पोर्टल नहीं खुलता था। तो अगर पुराना आपका एडमिशन है, आप अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे करना चाहते हैं या किसी भी तरीके की कोई करेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये स्टूडेंट लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, आप यहीं पर ही ऑप्शन, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ राइट साइड पर आपके मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, मेन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है अब आपका स्टूडेंट सेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ओल्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ई सर्विस की फैसिलिटीज़ को पाने के लिए आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालते हैं, ये रोल नंबर सबमिट करते ही अब आपका यहाँ पर सारी डिटेल तो NIOS के पास होती है, सारा आपको यहाँ पर शो हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक मोबाइल नंबर डालना है
और एक ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पर ओटीपी जनरेट होगा, उस मोबाइल पे भी आपके एक ओटीपी आएगा और जो आपने ईमेल आईडी डाला हुआ है उस पे भी आपका एक ओटीपी आएगा। ये दोनों ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, तब आपका स्टूडेंट पोर्टल खुल जाएगा दोस्तों। उसके बाद सारी कार्रवाई सेम होती है, जैसे और जितने नए एडमिशन लिए हैं बच्चों ने उनका पोर्टल खुलता है, सेम वैसे ही आपका भी पोर्टल खुलेगा। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप तीन ही बार यानी तीन नए एडमिशन्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी चौथी बार आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है अपने ओल्ड रजिस्ट्रेशन करने में या किसी भी तरह की चेंजेस करने में, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं या हमसे कमेंट करके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम आपको दे सकें दोस्तों। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।